नमस्कार दोस्तों, आज हम अल्टरनेट रखे महत्वपूर्ण सेशंस करेंगे जो कि टेक्निकल एग्जाम से आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्टरनेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। चलो आप बताओ सबसे पहले कि अल्टरनेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। हम देखते हैं कि अल्टरनेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पे कार्य करता है। चुंबकीय सिद्धांत पे कार्य करता है। चलिए हम क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ के आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। स्थायी चुंबकीय क्षेत्र पर कार्य के स्थायी चुंबकीय क्षेत्र प्रकार के अल्टरनेटर में एक्साइटेशन कैसे संयोजित किया जाता है, मतलब उसको उत्तेजित करने के लिए उसको कैसे संयोजित करते हैं। खंडित बलों द्वारा, टर्मिनल संयोजन द्वारा सीधे ही, कम्यूटेटर द्वारा, स्लिप रिंग द्वारा। चलो बताइए किसे करते हैं। तो इसका आंसर होगा स्लिप रिंग द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चार पोल के फील्ड वाले अल्टरनेटर में बनते हैं। चलो इसको पढ़ के आंसर दीजिए आप। एक चार पोल के फील्ड वाले अल्टरनेटर में खाली स्थान बनते हैं। रोटर के घुमाव द्वारा साइकिल, चार साइकिल थ्योरी। रोटर के एक घुमाव में चार साइकिल, रोटर के घुमाव में 1/4 साइकिल, रोटर के एक घुमाव में 2 साइकिल, रोटर के एक घुमाव में 1 साइकिल। तो बताइए कौन सा आंसर ठीक है इसमें। तो इसमें रोटर के घुमाव में 2 साइकिल, यानी रोटर रोटर जब एक 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 चक्कर पूरा करेगा तो उसमें मतलब 2 साइकिल बनाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अल्टरनेटर के फील्ड परिपथ में प्रदान की जाती है, मतलब अल्टरनेटर के फील्ड परिपथ सर्किट में कौन सी सप्लाई प्रदान की जाती है। चलो आंसर पढ़ के आंसर बताओ जल्दी से। अल्टरनेटर के फील्ड परिपथ में प्रदान की जाती है प्रत्यावर्ती धारा, दोलन धारा, पल्सेटिंग धारा और दिष्ट धारा। बताओ कौन सा आंसर होगा इसमें से। इसमें हमारा आंसर होगा दिष्ट धारा। अल्टरनेटर के फील्ड में हमेशा डीसी सप्लाई प्रदान की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जो अल्टरनेटर स्टीम टरबाइन द्वारा चलाए जाते हैं खालिस्तान वे डिजाइन किए जाते हैं, मतलब जो भाप के द्वारा चलाए जाते हैं वो अल्टरनेटर किस किस लिए, मतलब किस चाल के लिए डिजाइन किए जाते हैं। यहाँ पे उसकी चाल के लिए बात कर रहा है। जो अल्टरनेटर स्टीम टरबाइन द्वारा चलाए जाते हैं वे डिजाइन किए जाते हैं। चलो आंसर दीजिए। निम्न में उच्चाल परिचालन द्वारा के लिए, निम्न चाल परिचालन के लिए, उच्चाल परिचालन के लिए और मध्यम चाल परिचालन के लिए। बताइए इसमें कौन सा आंसर ठीक होगा। इसमें हमारा आंसर होगा उच्चाल परिचालन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेलनाकार यानी सिलिंड्रिकल पोल प्रकार के रोटर की तुलना में सेलियंट प्रकार के होते हैं, यानी अल्टरनेटर में दो प्रकार के रोटर होते हैं। तो इनमें मतलब ये इसकी बेलनाकार पोलर प्रकार के रोटर की तुलना में सेलियंट प्रकार के होते हैं, मतलब इसकी तुलना कर रहा है, इन दोनों आपस में तुलना कर रहा है।
तो बताइए बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। व्यास व अक्षीय लंबाई में छोटे, व्यास व अक्षीय लंबाई में बड़े, व्यास में बड़ा व अक्षीय लंबाई में छोटे, व्यास में छोटा व अक्षीय लंबाई में बड़ा। चलो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। हमारे इसका आंसर होगा व्यास में बड़ा व अक्षीय लंबाई में छोटा। और हम बात करें सेलियंट वॉल की, तो इसकी मतलब स्पीड कम होती है और ये हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं जो मतलब उसे पानी पानी के द्वारा चलाए जाते हैं, बेलोडों में पानी डाल के वगैरह चलाए जाते हैं, उसमें काम आते हैं सेलियंट वॉल, और इसकी स्पीड कम होती है। और ये सिलेंड्रिकल पोल है, ये स्टीम टर्बाइन इन भाप द्वारा चलाए जाते हैं और इनकी स्पीड ज़्यादा होती है। इनकी स्पीड समथिंग 375 के समथिंग 375 से 1000 RPM तक होती है। और ये सिलेंड्रिकल की 1500 RPM से लेके 3000 RPM तक होती है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अल्टरनेटर के फील्ड उत्तेजना यानी एक्साइटेशन के लिए एक्साइटर के रूप में यूज होता है, यानी कि हम अल्टरनेटर को जो हमारा अल्टरनेटर होता है उसमें एक्साइटेशन के लिए मतलब कौन से जनरेटर काम में लेते हैं। एक अल्टरनेटर के फील्ड यानी उसकी फील्ड को एक्साइट करना हमको, तो हम कौन से जनरेटर काम में लेंगे एक्साइटर के रूप में। यहाँ पे जनरेटर की बात कर रहा है तो देखो ये दो ऑप्शन तो होंगे नहीं, इनमें तो मोटर का जिक्र किया गया है, तो अब हमें इन दो में देखना है शंट जनरेटर और सीरीज जनरेटर। तो हमें पता है कि सीरीज जनरेटर लोड पे ही काम करता है मतलब, तो इनमें हमारा आंसर हो जाएगा शंट जनरेटर। हमारा शंट जनरेटर इसमें हो जाएगा, एक तो शंट जनरेटर काम में लेते हैं और शंट जनरेटर ना हो तो हमें कंपाउंड जनरेटर, हम कंपाउंड जनरेटर भी काम में ले सकते हैं। इनका वोल्टेज समथिंग 250 के समथिंग होता है डीसी में। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अल्टरनेटर हमें वाइंडिंग से वाइंडिंग और बॉडी के बीच इंसुलेशन खालिस्तान में कम नहीं होना चाहिए, यानी हमें इसका प्रतिरोध बताना है कि कितना होगा इन दोनों के बीच में। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें। 100 MΩ, 10 MΩ, 1 MΩ, 0.1 MΩ। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें से। इसमें हमारा आंसर होगा 1 MΩ। ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न वोल्टा तरंग रूप होना चाहिए, यानी कि हमारा अल्टरनेटर वोल्टेज उत्पन्न कर रहा है तो उसका तरंग रूप क्या होना चाहिए। चलिए बताइए प्लस प्लस के रूप में मतलब ज्या तरंग के रूप में, वर्गाकार तरंग के रूप में, आरिदंत तरंग के रूप में। चलिए बताइए कौन सा आंसर ठीक होगा इसमें से। हमारे पास ऑप्शंस हैं प्लस के रूप में, ज्या तरंग के रूप में, वर्गाकार तरंग के रूप में और आरिदंत तरंग के रूप में। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा। तो हमारा आंसर होगा इसमें से ज्या तरंग के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, हल करते हैं। एक अल्टरनेटर द्वारा 600 आर यानी एक अल्टरनेटर है जो 600 आरपीएम पर घूम रहा है, जिसके रोटर में 20 बॉल है। एक अल्टरनेटर 600 आरपीएम पर घूम रहा है जिसके रोटर में 20 बॉल है, यानी उसकी स्पीड तो 600 आरपीएम है और उसमें 20 बॉल है। इस मशीन द्वारा उत्पन्न फ्रिक्वेंसी का समय अंतराल ज्ञात करना है, मतलब हमें आवर्ती आवर्ती का समय अंतराल ज्ञात करना है। चलिए करके बताइए इसमें से कौन सा होगा, बताइए। 0.001 सेकेंड, 0.01 सेकेंड, 0.02 सेकेंड, 0.08 सेकेंड, बताइए कौन सा होगा। इसको देखते हैं हम सबसे पहले फॉर्मूला के द्वारा। इसका फॉर्मूला होता है एफ बराबर पी एन बटा 120। तो हम मान रखते हैं पी का मान है हमारे पास, यानी पी मतलब पोल 20, और इनटू एन मतलब स्पीड, स्पीड हमारे पास 600 और बटा में 120। चलो जगह नहीं है, फॉर्मूला तो आपने लिख लिया होगा, फिर से करते हैं। एफ बराबर पी एन बटा 120। तो पी का मान हमारे पास कितना है, पी का मान है हमारे पास 20 इंटू स्पीड है हमारे पास 600 बटा में 120 आ गया। तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 6 बार कट जाएगा और ये 6 से 6 कट जाएगा, तो हमारे पास बता शो। तो ये हमारे पास एफ का मान आ गया। तो अब हमें समय अंतराल ज्ञात करना है, तो समय अंतराल का सूत्र होता है टी बराबर 1/f। हमारे पास अभी एफ का मान आया था, तो यहाँ पे हम एफ का मान रख देंगे, तो इसमें भाग देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.01 सेकेंड। तो इसमें से हमारा कौन सा आंसर होगा, इसमें से हमारा ये आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डेल्टा संयोजित थ्री फेस अल्टरनेटर आर्मेचर रोटेटिंग मतलब घूम रहा है वो, जिसमें होंगे यानी एक डेल्टा संयोजित थ्री फेस अल्टरनेटर है जो मतलब घूर्णनमान है, उसमें स्लिप रिंग पूछ रहा है कि स्लिप रिंग कितने होंगे। एक डेल्टा संयोजित थ्री फेस अल्टरनेटर में आर्मेचर घूर्णनमान है, उसमें आर्मेचर घूम रहा है, मतलब एक में फील्ड घूर्णनमान होता है, एक में आर्मेचर घूर्णनमान होता है। इन दोनों में मतलब स्लिप रिंग का अंतर होता है और ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो इसमें आर्मेचर घूम रहा है, तो इसमें बताइए स्लिप रिंग कितने होंगे, इसमें कितने स्लिप रिंग होंगे बताइए। 3 स्लिप रिंग, 6 स्लिप रिंग, 2 स्लिप रिंग या 4 स्लिप रिंग, चलिए बताइए कौन सा होगा। तो हम देखते हैं कि एक डेल्टा संयोजित है, तो मतलब उसमें हमारे आंसर ठीक होगा। डेल्टा संयोजित थ्री फेस अल्टरनेटर में मतलब आर्मेचर घूर्णनमान होता है, तो मतलब इसमें 3 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्री फेस डेल्टा संयोजित हमारे पास थोड़ी देर पहले मतलब अल्टरनेट फील्ड अल्टरनेट, इसमें देखो आप 10 नंबर क्वेश्चन में, इसमें आर्मेचर घूर्णनमान है और इसमें हमारे पास फील्ड घूर्णनमान है।
चलिए देखते हैं। ऐसे 3 फेज डेल्टा संयोजित घूमने वाला फील्ड अल्टरनेटर में स्लिप रिंग, इसमें फील्ड घूम रहा है, तो बताइए इसमें कौन सा होगा? 2 स्लिप रिंग होंगी, 3 स्लिप रिंग होंगी, 4 स्लिप रिंग होंगी या 6 स्लिप रिंग होंगी? चलिए बताइए कौन सा होगा। हमारे इसमें होगा 2 स्लिप रिंग। ये आंसर हमारा ठीक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेटर में एयर गैप कितना होता है? मतलब ये अल्टरनेटर में जो मतलब फील्ड वाइंडिंग होती है और रोटर होता है, उन दोनों के बीच रोटर जो आर्मेचर हमारा होता है, आर्मेचर मतलब आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के बीच इसमें हमारा एयर गैप होता है, वो कितना होता है? ये वेरी मोस्ट क्वेश्चंस है, ये किताबों में नहीं मिलता, समथिंग बहुत कम बुक में मिलता है। चलिए बताइए कितना होगा इसका आंसर, दोनों के बीच एयर गैप कितना होता है, और क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा भी जाता है। चलिए बताइए इसका आंसर कितना होगा। इसमें हमारा आंसर होगा 0.4 mm। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेंट पोल रोटर में रोटेटिंग स्पीड एम पोल की संख्या होती है, मतलब हमारे अल्टरनेटर में 2 प्रकार के रोटर काम में ले जाते हैं, एक सेलेंट पोल एक सिलेंड्रिकल पोल। तो सेलेंट पोल के लिए पूछ रहा है कि इसमें रोटेटिंग स्पीड, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था उसकी स्पीड, रोटेटिंग स्पीड और पोलों की संख्या कितनी होती है। चलो स्पीड मैंने आपको बताया था, तो इसमें कौन सी होगी? 2 से 4, ये तो हमारे पोलों की संख्या है, ये तो हमारी पोलों की संख्या है और ये हमारी स्पीड है। चलिए बताइए कौन सा होगा। चार पोल 3000 rpm, 6 से 40 पोल 375 से 1000 rpm, 36 पोल 175 rpm, 170 rpm। चलिए बताइए कौन सा ठीक होगा इनमें से। तो मैंने आपको बताया था इसमें कि 375 rpm, 375 पोल, सॉरी 640 तक पोल होंगे, और मैंने आपको बताया था स्पीड 375 से 1000 rpm होगी, तो हमारा ये आंसर ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें हम सिलेंड्रिकल पोल के देखें, तो सिलेंड्रिकल पोल में हमारा होगा, इसमें सिलेंड्रिकल पोल में हमारा 2 से 4 पोल होते हैं और 1500 से 3000 rpm स्पीड होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का शुष्क अवस्था में प्रतिरोध कितना होता है? चलिए बताइए मानव शरीर का शुष्क अवस्था में प्रतिरोध कितना होता है। जो हमारा मानव का शरीर होता है, मतलब वो शुष्क अवस्था में रहे, तो उसका प्रतिरोध कितना रहेगा? 1 किलो, 10 किलो, 1 mega ohm, 10 mega ohm। चलिए बताइए, इसमें हमारा होगा 1 mega ohm, यह आंसर हमारा ठीक होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक अल्टरनेटर में पोलों की संख्या 8, रोटेटिंग की स्पीड 12 चाल पे है, तो ए में ज्ञात कर सकते हैं। एक अल्टरनेटर में पोलो की संख्या 8 है, रोटेटिंग स्पीड 12 चौ आरपीएम है, तो ईएमएफ, इसमें ईएमएफ क्या होगा? तो चलिए फॉर्मूले लगा के इसको हल करते हैं। एफ बराबर पी एन बटा 120। तो हमारे पास पी की संख्या होगी 8, हमारे पास स्पीड है 1200 rpm बटा 120। 0 से 0 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, 10 बच जाएगा हमारे पास, और ये 8 से गुणा करने पे 80 Hz हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप ऐसे ही लगातार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एस के इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नए वीडियो अपलोड होने पर सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। धन्यवाद।